नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक नए ब्लॉग में, आज हम हैं मोजोम स्टेशन में। ये बारामूला से बड़गाम के बीच में पड़ता है मोजोम स्टेशन, यहाँ से गुलमर्ग बहुत नज़दीक है। तो ये आज हमें सुबह एक न्यूज़ आई कि यहाँ पे एक ट्रेन और एक बोगी डीरेलमेंट हो गई, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी स्नो हो रहा है, बहुत तेज़ी से स्नो हो रहा है, पूरा चारों तरफ है। और ये लोग इसको, ये देखिए स्नो, काफ़ी हैवी स्नो है, पूरा चारों तरफ ट्रैक में स्नो ही स्नो है, पूरा सफ़ेद चादर से बिछ चुका है पूरा। और ये जेसीबी देखिए, जेसीबी ट्रैक में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आगे ट्रैक का अलाइनमेंट आउट हो गया उसको सही करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरा डीरे, एक बोगी पूरा डीरेलमेंट है, पूरा ट्रैक से आउट हो गया बाहर को। और यहाँ पूरी रेलवे की टीम है और कंस्ट्रक्शन की टीम पूरी है, जो इसको वापस कर ठीक ट्रैक में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये पूरा रेल बारामूला से बड़गाम तक पूरा, आज जितने भी ट्रेन चल रही थी सब सस्पेंडेड है। और यहाँ पे काफ़ी स्नो है, देखिए आप देख सकते हैं कितना स्नो गिर रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्नो है, पूरा चारों तरफ सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। और रेलवे की तरफ से काफ़ी कोशिश की जा रही है इसको वापस ट्रैक में लाने के लिए। ये देखिए, यहाँ जैक लगाया जा रहा है और जैक के द्वारा इसको बोगी को उठाया जा रहा है। देखिए कि ये देखिए, आप देख सकते हैं, और इतने स्नो में भी लोग लगे हुए हैं काम करने में कि जैसे तैसे इस ट्रैक को तंदुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए और पब्लिक के लिए खोला जाए। आज तो मुश्किल है, देखिए आज ये हो जाता है तो फिर कल से दोबारा इस ट्रैक पे ट्रेन दौड़ेगी, पर जिस हिसाब से अभी टाइम हो चुका है, काफ़ी 4:30 बज चुके हैं, इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि आज ये हो पाएगा। होप सो, देखिए रेलवे वाले लगे हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश में कि ये फटाफट इसका हो जाए। और देखिए कितना ज़बरदस्त बर्फ़ है, आप देख सकते हैं चारों तरफ पूरी सफ़ेद चादर। और ये हम आपको दिखाते हैं, ये वो रेल है जो डीरेलमेंट हुई है, और इंजन और एक बोगी पूरा बिल्कुल ट्रैक से हट गई है, और जो इसके पीछे लगी थी जो बैलेंस बोगियाँ हैं वो वापस दूसरे रेल द्वारा बड़गाम में ले जाया गया है। ये देखिए, हमारे साथ हमारे मित्र मनु जी हैं और आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। रेलवे वालों का हौसला मानना पड़ेगा, इतनी बर्फबारी हो रही है पर लोगों की हिम्मत नहीं टूट रही है, लोग पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं रिस्टोर करने में। ये देखिए जेसीबी तक ले आए ऊपर कि आगे जो ट्रैक का अलाइनमेंट आउट हो उसको पूरा सही करें। ये देखिए, ये देखिए पूरी रेलवे की टीम देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरी टीम खड़ी है यहाँ पे, ये एसएससी बड़गाम मिस्टर हिलाल भी यहाँ पे हैं, ओएचई को डेड करके बैठे हैं, ओएचई इनकी अंडर में आता है तो ओएचई डेड है। ये देखिए जेसीबी ये ले आए ट्रैक पे, ये देखिए
जिस हिसाब से डिरेलमेंट हुआ है, इस हिसाब से किसी को चोट वोट नहीं लगी है, सब सेफ है। अब बाकी अब ये कैसे हुआ ये पूरा जांच होगी इसकी, और उसके बारे थी इसके बारे में बताया जाएगा कि ये कैसे ट्रैक्स। ये देखिए जैक, देखिए जैक के थ्रू ये देखिए बनिहाल, बड़गाम, बारामूला, और ये देखिए काफ़ी बर्फ़ गिर रही है। इतना हैवी स्नोफॉल है आज कि काम करना भी मुश्किल है, चारों तरफ बर्फ़ है। पर रेलवे के लोग काफ़ी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये देखिए पूरी पटरी से उतर चुकी है। ये डीएमओ आगे, डीएमओ और पीछे एक बोगी वैगन। और इस बीच बर्फ का सितम, काफी ठंड है। देखिए बाकी आप देख सकते हैं ये काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है रिस्टोरिंग का, और पूरी रेलवे की टीम लगी पड़ी है। देखिए बर्फबारी का दौर जारी है, पूरे चारों तरफ चांदी की बर्फ बिछ चुकी है। ये देखिए बाकी, चलिए आपको बाकी हम अपडेट देते रहेंगे, और ये कब हुआ कैसे हुआ ये हम बाकी आपको अपडेट बाद में देंगे। चलिए दोस्तों बाय, सायनोरा, फिर मुलाकात होती है अपने नए ब्लॉग में। ये देखिए।